नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज ये वीडियो थोड़ी लेट आ गई क्योंकि मैं बिजी था, बट मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कल एक्सपायरी को हमें कौन से ट्रेड्स लेने हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आप लोगों को बताया था। क्लोजिंग मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताई थी, मैंने बोला था कि ये मूवमेंट तो कर चुका है, मूवमेंट करने के बाद क्या होता है कि ये एक रेंज है पॉसिबल, ये एक रेंज का जब एक ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन दे दिया उसके बाद एक स्ट्रांग मूवमेंट भी आ गई। स्ट्रांग मूवमेंट आने के बाद यही जो पहले इसका सपोर्ट का काम करता था वो इसका रेजिस्टेंस का काम करता था, कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा एक सेलिंग देखते हैं, इतनी चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये लेवल था, ये एक लेवल था जो कि था सपोर्ट का काम कर रहा था, उसका ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर गया, रीटेस्ट करा, आज के दिन भी ऊपर रीटेस्ट करा, बट क्लोजिंग इसी रेंज के अंदर दी 11,100 के अंदर। और मैंने आपको कल कहा था कि 11,130 के ऊपर अगर जाता है इंट्राडे में तो आप ट्रेड ले सकते हैं, बट आपको निकलना होगा, और क्योंकि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 11,130 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है तो अब यहाँ पर शायद कल दोबारा सेलिंग आ सकती है। मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलता है तो आप ये देखिएगा, ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद हमने देखा मोमेंटम आई, मोमेंटम आने के बाद हमने क्या देखा कि नेक्स्ट आप में हमने क्या देखा कि एक अच्छी सी सेलिंग आई और जो गैप था उस गैप को फिल कर गया। गैप को फिल करने के बाद जो ये सपोर्ट लाइन थी जो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी थी, ये सपोर्ट लाइन पे यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और अब ऊपर की तरफ ये जाना शुरू कर रहा है। तो कल अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है जो कि 11,140 का लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भी हम लोग कल ट्रेड लेकर चल सकते हैं। और अगर ये 11,080 का लेवल ब्रेक करता है, क्लोजिंग बेसिस की बात हो रही है, दोनों में 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर या नीचे बंद हो जाती है तो हम लोग एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं बाया सेल साइड में, ठीक है। तो पर मेरा होगा कि अगर ये उसी में खुलता है, अगर ये यहीं पर ही आसपास खुलता है तो एक बाइंग की तरफ दोबारा मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है। मार्केट स्ट्रांग होने के बाद हमने एक आज भी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखी, फिर एक करेक्शन देखा, फिर रिकवरी भी आ गई। क्यों, अगर हम देखते कि अगर यहाँ से जो नीचे आ रही थी मार्केट, अगर मार्केट नीचे आना शुरू करती तो जो ये लोग बैठे हुए थे इनकी भी प्रॉफिट बुकिंग होती और मार्केट दोबारा नीचे आ जाती, बट हमने एक रिकवरी देख ली। अब रिकवरी देखी है तो शायद और बायर्स बैठे हुए हैं तो यहाँ पर एक दोबारा बाइंग आ सकती है। सेम बैज बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर बिल्कुल निफ्टी का पैटर्न ड्रॉ करा है। यहाँ पर आप देखिएगा ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, ये रेंज के अंदर काम करने के बाद इस लेवल पे ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद हमने देखा कि आज के दिन यहाँ पर रीटेस्ट करा। आपको मैं और क्लियर करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको पता चले, ये देखिएगा कि आज के दिन यहाँ पर इसने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद मैंने आपको कल 22,000 का भी लेवल बोला था कि 22,000-21,900 तक जाएगा और वहीं तक गया था, उसके बाद सेलिंग आ गई। अब इस लेवल तक हम देख रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस था जहाँ पर ये आके नीचे आ चुका है। अब देखना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल जो कि 21,470 का लेवल है या 4860 का लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक सेलिंग आ सकती है और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि 21,200 तक भी ये जा सकता है। बट अगर यहाँ पर बाइंग आना शुरू होती है तो बाइंग आ सकती है अराउंड 21,650 के ऊपर, ठीक है, 650-660 के ऊपर एक बाइंग आ सकती है और फिर हम लोग टारगेट्स रख सकते हैं 21,900 के, ठीक है। कल आरबीआई मॉनेटरी की पॉलिसी की भी मीटिंग का जो वो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर होना है कि रेट कट करेंगे या फिर अदर बेनिफिट्स लेकर आएंगे, तो देखना मार्केट पे है, क्योंकि कल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, तो केयरफुली ट्रेड करना और ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो तुरंत आप लोगों को निकलने की सलाह दी जाएगी। सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। और मैं सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जो आपको मदरसन सुबी, टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स रिलैक्सो दिए थे कि कितना बढ़िया आउट परफॉर्म करा था और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न डेफिनेटली अर्न करा होगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स लोगों ने तो अर्न करा था। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला स्टॉक ये है, यहाँ पर आप देखिएगा ये है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट पे ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये मेजर रेजिस्टेंस हुआ करता था अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। अब यहाँ पर हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट कैंडल एक इंडिसाइसिव थी बट उसके ऊपर जाके क्लोज हुई, अब नीचे आई है।
अब नीचे आई है, तो यहाँ पर बाइंग करना थोड़ा रिस्की था बाइंग, क्योंकि 200 पॉइंट्स ऊपर था अपने सपोर्ट लेवल से और अब उसको ब्रेक कर चुका है और अब रीटेस्ट करके दोबारा एक इंडिसाइसिव कैंडल बना रहा है। तो कल यहाँ पर भी एक बाइंग आ सकती है और अपने 4000 लेवल के आसपास है, तो एक अच्छी खासी बाइंग इस पर आ चुकी है। और मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर मैंने अपना स्विंग ट्रेड ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग कल बाइंग बना सकते हैं, परफेक्ट एंट्री लेवल टारगेट मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। लार्सन एंड ट्यूबो इस पर भी मैं अपनी बाइंग बना चुका हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को और जूम करके दिखा देता हूँ। अब देखिएगा इस चीज़ को, इस लेवल से देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, स्ट्रॉन्ग बाइंग आने के बाद इसने रिट्रेस करा अराउंड 61% पे, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, इसने एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो बनाया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब नीचे आ रहा है, अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। रेंज के अंदर काम करने के बाद हम देख रहे हैं कि इस रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है और आज ब्रेकआउट के ऊपर भी सस्टेन कर चुका है। अब देखने वाला इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए हर ब्रेकआउट पे भी ट्रेड नहीं करा जाता, ठीक है। अब देखने वाला लेवल क्या है कि अभी क्या कर रहा है, इसके जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट तो दे चुका है, अब ये अगर अपने प्रीवियस हाई, जो इसका प्रीवियस हाई ये लेवल है, ये प्रीवियस हाई के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक हम लोग एक रिवर्सल इसे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो एक बार इसे प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन होने दो, फिर हम लोग एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम इसमें देख सकते हैं। सो इसको भी कल हम लोग वॉच करके चल सकते हैं, परफेक्ट एंट्री लेवल मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। और ये है मेरा फेवरेट स्टॉक जो मैंने अच्छे लेवल पे बाय कर रखा है अभी तक, इसको मैंने अराउंड 450 के अराउंड पे मैंने इसको बाय कर रखा था, 460 के अराउंड पे। अब आप देख सकते हैं ये अभी तक एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो दो लाइंस हैं, दो लाइंस के आसपास जब भी आता तो हम एक बाइंग देख लेते हैं, इन दो लाइंस के अंदर जब भी आता है एक सेलिंग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया, फॉल आने के बाद हॉल्ट करा, ये देख सकते हैं एक रेंज के अंदर 3 दिन कैंडल बनी गई और आज ब्रेकआउट आ गया और अब सस्टेन भी कर रहा है। तो कल एक 560 के ऊपर बाइंग आ सकती है जो कि इसे 566 तक लेकर जा सकती है, तो कल भी हम लोग इस पर एक ट्रेड बना के चल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, तो नेक्स्ट स्टॉक है गाइस टीवी टुडे। ये सारे स्टॉक्स मेरे पास होल्ड में है, मैं आप लोगों को बता दूँ ये सब चीज़ें मैंने होल्ड में रखी हुई है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ ये वाला शेयर, ठीक है। मैंने आप लोगों को इस लेवल पे भी बताया था, मैंने आपको ये वाली ग्रीन कैंडल पे भी बताया था, मैंने बोला था कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है और ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चला गया, तो अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। तो मैंने जब आप लोगों को इस लेवल पर बताया था तो मैंने भी अपने स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड कर लिया था इस लेवल पर, अराउंड 197 के अराउंड मैंने इसे होल्ड करा हुआ है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट दे चुका है। तो कल हम लोग इसे ट्रेड करके चल सकते हैं और मुझे लगता है कि कल ये अच्छे खासे लेवल्स भी प्रोवाइड करा के चल सकता है हम लोगों को, तो कल हम इसे वॉच करके चल सकते हैं। लास्ट आता है सेलिंग के लिए HDFC AMC, ये भी मैं आप लोगों को बहुत बार सेलिंग के लिए दे चुका हूँ और मैं आप लोगों को अभी दोबारा भी सेलिंग के लिए दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, जो रेंज ड्रॉ कर रखी है, ये कितनी इंपॉर्टेंट हो रही है। अब आप देखिए ऊपर गया नीचे आया, रीटेस्ट करा ऊपर गया नीचे आया, रीटेस्ट करा ऊपर गया नीचे आया, रीटेस्ट करा, कम से कम यहाँ पर दो टाइम, थर्ड टाइम, यहाँ पर कम से कम 5 टाइम रीटेस्ट कर गया, फिर 6th टाइम रीटेस्ट कर गया और यहाँ पर मल्टीपल बार रीटेस्ट कर रहा है। अब आप देख रहे हैं और राउंड फिगर 2400 के नीचे ये जाके क्लोज कर चुका है। तो कल अगर सेलिंग आती है, इसके नीचे जाना शुरू करता है, तो एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है और ये 2320 के लेवल्स तक भी जा सकता है। सो कल इस पर एक परफेक्ट शॉट बन सकता है, तो कल हम लोग इस पर सेलिंग के साइड पे एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं। तो ये थे मेरी 5 स्टॉक्स की एनालिसिस प्लस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने आज की वीडियो के थ्रू अर्न करा था या नहीं करा था, आज आप लोगों ने इंट्राडे के थ्रू मेरे ट्रेड्स लेके अर्न करा था या नहीं करा था। और गाइज हमारी जो डिस्काउंट ऑफर था वो आज एक्सपायर हो चुका है, तो अब जो पर्टिकुलर जो जो हमारी पेड फीस थी वो नॉर्मल जो पहले थी वो ही है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।